ये है RSR DC रोड पीड़ीबंगा टोल रोड, देख लो आप ये पौधे देख लो, ये टूटी पड़ी है, देखो आप बिल्कुल सूखी पड़ी है बिल्कुल। देखो जी ये पीड़ीबंगा सूरतगढ़ रोड जो टोल रोड है, और इसकी मैंने समाधान में भी एप्लीकेशन लगाई है और जो सतर्कता समिति उसमें भी लगाई थी, लेकिन आज तक इसमें 12,000 पौधे, तीन गुणा लगने थे, फिर बाद में जगह उन्होंने नापी तो क्या 9,000 लगाएंगे, 9,000 पौधे लगाने की बात हुई थी। RSR DC को बार बार लिखा गया, बार बार कलम न्यूज़ के द्वारा वीडियो भी दिखाए गए हैं, और कलेक्टर ने भी निर्देश दिए हैं कि वहाँ पौधे लगाए जाएँ, लेकिन अब पौधे आपके सामने हैं ये बिल्कुल जाली, ये जाली लगा रखी है, इसके अंदर कोई भी पौधा नहीं है, और चार पाँच ये जालियाँ लगातार देखी गई हैं, कोई पौधा नहीं है। इधर दिखाते हैं आपको, यहाँ भी कोई, देखो ये जाली की हालत देख लो आप क्या है, ना पौधा है कुछ भी नहीं है, जाली है कुछ भी नहीं, जाली है सिर्फ मात्र जाली दिख रही है, कोई पौधे नहीं है, जो शायद साथ जालियाँ जालियाँ खड़ी हैं। और सारे रास्ते का, आज सारे रास्ते का हमने सर्वे भी किया है, सर्वे के दौरान कुछ भी नहीं है, पौधे नाम की जो जगह है यहाँ, इस जगह पर ये देखो सूखे पड़े हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो लकड़ी है बिल्कुल, ये सूखी पड़ी है बिल्कुल, लकड़ी सूखी है, पौधा ये पौधा ही नहीं है यहाँ, देखो ये देखो ले दिखाता हूँ आपको, ये पौधे हैं, ये हैं इनके पौधे। RSR DC का जो पौधे लगाने का ठेकेदार का तरीका, वो देख लो आपके सामने, ये पौधे सूखे पड़े हैं बिल्कुल, ये थोड़ा तोड़ के भी दिखा सकता हूँ, ये लकड़ी है, ये पौधे इनके द्वारा लगाए गए हैं। बार बार कहने के बावजूद भी इस रोड पर RSR DC की टोल रोड है, टोल वसूला जा रहा है, लोगों से टोल वसूल रहे हैं, और सड़क की हालत भी देख लो, पौधों ये जो लगने चाहिए थे वो इस पर पौधे नहीं लगे हैं। कलम न्यूज़ के द्वारा ये मुद्दा आगे ही उठाया जाएगा, जब तक पौधे नहीं लगेंगे कलम न्यूज़ चुप नहीं बैठेगी।